अयोध्या में गुप्तार घाट की स्थिति श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के महंत चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा ने प्रेस वार्ता की और बताया कि हमारे मंदिर तपस्वी छावनी की संस्था है और यहाँ पर पुजारी का निधन हो गया है जिसको लेकर भंडारा होना है, लेकिन कुछ लोग हमारे मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं जिसको लेकर हमने पहले भी शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया है और अवगत कराया है कि यह तपस्वी छावनी की शाखा है, इसके कागज मौजूद है या उसी की परंपरा से महंत नियुक्त किए जाते हैं और मुझे नियुक्त किया गया है। मैं यहाँ का कार्यभार देख रहा हूँ और यहाँ के पुजारी का निधन हो गया है, उनका संस्कार भी किया और भंडारा होना है जिसको लेकर कुछ लोग भंडारा कराकर मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं, उसको लेकर हमने अधिकारी को बताया, अवगत कराया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने दोनों को बुलाया और कहा कि मंदिर परिसर में कोई भी भंडारा नहीं करेगा। मैं महंत चतुर्भुज दास और चंदा बाबा लक्ष्मी नरसिंह भगवान सर्वराकार, हमारे पुजारी जी का 28/11 को शरीर छूट गया, उनकी तेरही भंडारे का तिथि जो है 10 तारीख थी, तो इसमें व्यवधान डालने के लिए कुछ साधु भेषधारी जो बीच में आज दोनों पक्षों को बुलाया गया था पुलिस द्वारा कि सुलह समझौता करके भंडारा हो, उसमें कोई बवाल ना हो, शांतिपूर्वक हो, तो उसमें दोनों की बैठक हुई, तो उसमें जो विमल कृष्ण दास और रामदास और दूसरा पक्ष जो है चतुर्भुज दास, दोनों की सहमति से जो कार्य हो तो दोनों के हस्ताक्षर कराए गए हैं उस कागज में, तो उसमें 27/12 डेट दी गई है कि SDM से आप कोई आर्डर ले आइए रहने का, तो हमने कहा वर्तमान में तो हम रह ही रहे हैं, और एक कमीशन भी कोर्ट द्वारा हुई है 19 तारीख को पिछले महीने, जिसमें निशानदेही हमने बताई है कि कितना प्रांगण है मंदिर का और कितने पेड़ हैं उसमें, कहाँ क्या समय स्थिति है, तो इसमें जब 2016 में लक्ष्मी नरसिंह भगवान की दाखिल खारिज हो गई है तो फिर दूसरा आर्डर लाने की क्या व्यवस्था है, उसमें उनसे कागज पूछे जा रहे थे, उनके पास कोई कागज नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।